बैंक एफडी पर बढ़ी ब्याज दरें। बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंक HDFC और ICICI बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर आपने इन दोनों बैंक में से किसी एक में FD कराई है तो FD के मैच्योर होने पर आपको अब ज्यादा रिटर्न मिलेगा। HDFC और ICICI प्राइवेट सेक्टर के दो जाने माने बड़े बैंक हैं। इन बैंकों की टक्कर अब सीधा पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। अब ये दोनों बैंक भी जबरदस्त मुनाफा दे रहे हैं, तो आइए इस वीडियो में हम आपको इन बैंकों की अलग अलग समय की FD पर मिलने वाले ब्याज दरों के बारे में बताते हैं। इससे आप अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन चुन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। किस में कितना मिल रहा रिटर्न? ब्याज दरों में बदलाव करने के बाद HDFC बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए 2.5% से लेकर 5.5% तक ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की FD पर 7 दिन से 10 साल की अवधि के लिए 3 से 6.25% तक ब्याज मिल रहा है। नई दरें 1 दिसंबर 2021 से लागू हो गई हैं। इसी के साथ ICICI बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। ICICI ने 7 दिनों से लेकर 10 साल तक बैंक 2.5% से लेकर 5.5% तक ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 बेसिक पॉइंट्स BPS ज्यादा ब्याज दर दे रहा है। आइए इन दोनों बैंकों की दरों पर डालते हैं एक नजर। HDFC बैंक के FD रेट्स। 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर HDFC बैंक इस तरीके से ब्याज ऑफर करता है। 7 से 14 दिनों के लिए 2.5% और वरिष्ठ नागरिकों को 3% ब्याज मिलता है। 15 से 29 दिनों के लिए 2.5% और 3% ब्याज मिलता है। 30 से 45 दिनों के लिए 3% और 3.5%। 46 से 60 दिनों के लिए 3% और 3.5%। 61 से 90 दिनों के लिए 3% और 3.5%। 91 दिनों से 6 महीने के लिए 3.5% और 4%। 6 महीने और 1 दिन से 9 महीनों के लिए 4.40% और 4.90%। 9 महीने और 1 दिन से 1 साल से कम समय के लिए 4.40% और 4.90%। 1 साल के लिए 4.90% से 5.40% तक। 1 साल और 1 दिन से 2 साल तक के लिए 5.15% और 5.65%। 2 साल और 1 दिन से 3 साल के लिए 5.65% और 4.75%। 3 साल और 1 दिन से 5 साल के लिए 5.35% और 4.85%। 5 साल और 1 दिन से 10 साल तक के लिए 5.50% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.25% ब्याज मिलेगा। ICICI बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स। 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ICICI बैंक इस तरीके से ब्याज ऑफर करता है। 7 से 14 दिनों के लिए 2.5% से 3%, 15 से 29 दिनों के लिए 2.5% से 3%, 30 दिनों के लिए, 45 दिनों तक के लिए 3% से 3.5%, 46 दिनों से 60 दिनों के लिए 3% से 3.5%, 61 दिनों से 90 दिनों तक के लिए 3% से 3.5%, 91 दिनों से 120 दिनों तक के लिए 3.5% से 4%, 121 दिनों से 150 दिनों तक के लिए 3.5% से 4%, 151 दिनों से 184 दिनों तक के लिए 3.5% से 4%, 185 दिनों से 210 दिनों तक के लिए 4.40% से 4.90%, 211 दिनों से 270 दिनों तक के लिए 4.40% से 4.90%, 271 दिनों से 289 दिनों तक के लिए 4.40% से 4.90%, 290 दिनों से लेकर 1 साल से कम समय के लिए 4.40% से 4.90%, 1 साल से 389 दिनों के लिए 4.90% से 5.40%, 390 दिनों से लेकर 15 महीनों से कम तक 4.90% से 5.40%, 15 महीनों से लेकर 18 महीनों से कम तक 4.90% से 5.40%, 18 महीनों से 2 साल तक के लिए 5 से 5.5%, 2 साल 1 दिन से 3 साल तक 5.20% से 5.70%, 3 साल 1 दिन से 5 साल तक 5.40% से 5.90%, 5 साल 1 दिन से 10 साल तक 5.60% से 6.30%, 5 साल के लिए अधिकतम 1.5 लाख या फिर 5.40% से 5.90%। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया बैंक FD पर बढ़ी ब्याज दरों के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।